और बुलेटिन में आप बात करते हैं इसी मुद्दे से जुड़ी हुई जो कि महंगाई से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कटौती की गई है उससे जनता तो जरूर सुकून की सांस ले रही है, लेकिन कुछ सवाल बरकरार है। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकारें भी जनता को राहत देंगी। आपको सुनाते हैं अप्रैल महीने में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से क्या कहा था। एक विषय हम सबके सामने है, देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अप्रैल 2022 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में क्या सलाह दी थी, क्या सवाल उठाए थे। इस चीज को लेकर सवाल ये भी उठते हैं कि केंद्र सरकार ने तो तेल पर टैक्स कम कर दिया है, लेकिन राज्य सरकारें इस तरीके का कदम कब उठाएंगी। केरल ने वैट घटाया है, लेकिन बाकी गैर बीजेपी राज्य भी क्या टैक्स घटाएंगे। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।